अरे मोदी जी, हमारे कच्चे आम के चाट में पानी क्यों डाल रहे हो? नींबू डालो इसमें, नींबू और चटनी, बिल्कुल खट्टी मीठी दोनों चटनी डालिए, तभी तो मज़ा आएगा खाने में। लेकिन तुम तो यहाँ पे पानी डाल रहे हो नींबू के जगह। अरे हम लोगों को यहाँ बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो यहाँ पे खड़े होकर के? इसमें अमरूद और कच्चे आम का जो चाट बना रहे हो, इसमें अच्छे से डालो हर चीज़, ऐसे नहीं चलता है। नहीं तो तुम्हारे ग्राहक हमेशा के लिए कट जाएंगे, तो आपका दुकान कैसे चलेगी यहाँ पे? चलो मेरे लिए एक प्लेट लगा दो नींबू डाल करके और नीली और पीली दोनों चटनी डाल करके। चलो लगाओ, मेरा स्कूल का टाइम होने वाला है, लंच मेरा खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे जाना पड़ जाएगा, जल्दी से जल्दी लगाओ। लेकिन ये पानी नहीं डालोगे, ये मैं बताए दे रहा हूँ, पानी बिल्कुल नहीं चलेगा। पानी डालोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं तो खाऊंगा नहीं, पैसे भी नहीं दे के जाऊंगा। अरे यही केजरीवाल, तो तुमको मालूम नहीं है कि मैं पानी डाल रहा हूँ कि नींबू डाल रहा हूँ? अरे भैया, ये तो है बिल्कुल नंबर वन की इंडिया की चटनी, और पानी में तो डालता ही नहीं, पानी की चटनी नहीं डालता हूँ मैं, नींबू हमेशा डालता हूँ, क्योंकि हमारे ग्राहक बिल्कुल फिक्स हैं। तुम्हारे स्कूल के सामने जब भी मैं अपनी दुकान छोटी सी लगाता हूँ, 10,000 रुपये रोज़ कमा कर ले जाता हूँ। वैसे मेरा नाम फेमस नहीं है, मैंने तो चाय बेची बचपन में, तुम्हें ऐसे ही तुमको पता हो जाना चाहिए कि नंबर वन की चीज़ मैं हमेशा बेचता हूँ। तो योगी जी के लिए मैं भी लगाऊं क्या? तुम दोनों साथ में, योगी जी का पैसा कौन देगा? योगी जी तुम्हारे लिए अलग से लगाऊं या एक ही में लगा दूं? दोनों लोग खा लोगे, क्योंकि भैया हमारे पास इतने ग्राहक है, फटाफट ले लो, तुम्हारा भी लंच खत्म होने वाला है, अपना चाट खाकर अपने स्कूल में जाओ, अच्छा खासा पढ़ो लिखो, तभी तो देश का नाम रोशन होगा। अरे मोदी जी, हमारा स्कूल तो अलग है, केजरीवाल का अलग है, तो उनका अलग बनाओ, मेरा अलग बनाओ। चलो मेरे लिए एक प्लेट लगाओ, लेकिन ये पानी वाला काम नहीं चलेगा हमारे यहाँ पे, लगा दो फटाफट एक प्लेट चटपटेदार, बिल्कुल उसमें चटनी और मिर्च मसाला डाल करके अच्छे से बनाओ, तो मज़ा आ जाए। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे वाह मोदी जी, क्या बात है, कितने हरे हरे आम हैं, ये तो बड़े खट्टे आम होते हैं, कच्चे आम, कच्चे आम बहुत खट्टे होते हैं। मैंने बचपन में नमक और कच्चे आम साथ में लेकर के थोड़ा मिर्च मसाला लेकर के खाया करता था, लेकिन आपके बगीचे में आम देख करके तो मेरे तो मन के अंदर लालच आ रही है, एकदम लालच इतना भयानक आ रही है कि क्या बताएं। अब बताऊं, इतने अच्छे आम। वैसे मोदी जी, मुझे थोड़ा काम था कच्चे आम की, मैंने सोचा 50 किलो आम आपके पास ले लेता हूं, फिर उसके बाद करता हूं इसे, इनका अचार बनवा लेता हूं। तो बताओ, इस आम को बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे अचार वाले आम चाहिए, 20 किलो ये भी दे दो और 30 किलो शाम को दे देना। मैं ये सोच रहा हूँ कि आम ले जाऊँ और अचार बनवा करके रखवा दूँ, और बढ़िया चटपटे अचार खाने में मज़ा आ जाएगा। मैं तो खाना के साथ अचार ज़रूर लेता हूँ, वैसे टेस्ट नहीं आता है कि खाना खाने में। तो यही चाहता हूँ मोदी जी कि मुझे आम दे दीजिए 50 kg, 50 किलो आम में मेरा पूरा हो जाएगा। वैसे आम आपके बड़े अच्छे हैं, वैसे बगीचा लगा रखा है कि कैसे बेच रहे हो? अरे क्या योगी जी, मैं अपने मामा जी के घर से लेकर आता हूँ कच्चे आम, मामा जी के घर से। अरे योगी जी, हाँ तुम भी उल्टा सवाल पूछ रहे हो। अरे मेरा 500 बीघे का बगीचा लगा हुआ है आम का, ये तो कुछ आम तो पकने के लिए जा रहे हैं मलियाबादी आम, और कुछ आम तो ये अचार के लिए आ रहे हैं। अभी देखो, मैं इस टोकरी में जो लाल पीले आम ले रखा हूँ, ये पके पके आम निकल रहे हैं, उनको मैं खाऊँगा अकेले, इसीलिए मैं ये। और आम तुम्हें लेना है 50 किलो, उसके लिए तुम्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा और पैसे भी देना पड़ेगा, दोनों चीज़ों। आम तुमको मिलेगा 500 रुपये किलो, आपको सस्ता आम तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। और तुम सवाल पूछना बंद कर दिया करो, तुमसे अच्छी तो मीडिया है, वो तो सही से पूछती है कि आम कहाँ से लाएं, कैसे खाएंगे, कैसा स्वाद है, और तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो, लग रहा है मैं कहीं से मांग लेकर आ रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेना। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे मोदी जी, ये हमारे यहाँ का जो बैगन है ना, ये सोनिया जी के खेत में होता है, तो सोनिया जी के खेत में थोड़ा सा काना कूना निकल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा निकल जाता है। अब ये बैगन देखो इतना टेढ़ा, इसको सीधा होना चाहिए, इतना टेढ़ा। मैं तो मोदी जी काम करता हूँ उनके खेतों में, और जो टेढ़ा मेढ़ा जो खराब बैगन होते हैं, उनको मैं निकाल करके इधर मैं रख देता हूँ पीछे टोकरे में, टोकरे में जो रखा होता है इसको 50 रुपये किलो बेच लेता हूँ। और जो ये अच्छे वाले बैगन है, जो सीधे सीधे लंबे लंबे वाले जो बैगन, इनको अच्छे रेट में बेच लेता हूँ। अब बताओ तुम ही मोदी जी, मैं क्या करूँ? अगर इनको अच्छे रेट में ना बेचूँ तो मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा, जितना टेढ़े मेढ़े जो बैगन निकल रहे हैं। और इसकी टेढ़े मेढ़े की बात करनी है तो सोनिया जी से करो, मैं इसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा बैगन नहीं है ये, मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ सोनिया जी के यहाँ पे।
अरे योगी जी, एक काम करिए आप, ये जो बैगन टेढ़े मेढ़े जो बैगन है इनको निकाल दो, ये अच्छे रेट में हमारे बाजार में नहीं बिकते हैं, ये मैं बात बता रहा हूँ। और इतना बड़क क्यों रहे हो? चलो काम करते हो तो अपना काम जिम्मेदारी से निभाओ तो अच्छा लगेगा। और सोनिया जी, ये सारे बैगन निकलवा दो, लंबे लंबे वाले इधर रखो, और ये बैगन मुझे दे दो, इतना अच्छा तो बैगन तुम्हारे खेतों में होता है और इतना लूटपाट लगा रखा है बिल्कुल। अरे हमको भी बेचना पड़ता है, बेचेंगे तभी तो कुछ मिलेगा कमाने का, अगर बेचेंगे नहीं तो कमाने का कहाँ से मिल जाएगा। चलो इसको छांटो और रेट जो मैंने बात किया था 4 महीने पहले वही रेट लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना। अरे मोदी जी, हमारे खेतों में बैगन बहुत अच्छा होता है, तुम ले जाओ लंबे लंबे काले काले बैगन, हमारे खेतों में होता है और मैं महंगी से महंगी बेचती रहती हूँ। मेरी बात तो सुनते नहीं हो, भड़को मत, वो रेट में नहीं दूंगी। भाई लोग वीडियो लाइक करो।